नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। सिगरा स्थित आरके होटल में विदुषी महिला मंडल द्वारा विदेशी महिलाओं ने डांडिया नृत्य कर शारदीय पूर्णिमा में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्वेता मुखर्जी ने नवरात्र के पावन सुगंधित धुनुची ज्योति नृत्य से रंगारंग कार्यक्रम का आगाज किया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। मैम, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? आज के हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भक्ति और श्रद्धा उल्लास सबको हम मिला करके एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। एक तरफ धुनुची का धुआं हो, एक तरफ डांडिया का नृत्य हो, और कल हमारी शारदीय पूर्णिमा भी है, तो उन सबको देखते हुए आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। कितनी महिलाओं ने भाग लिया इसमें? महिलाएं तो हमारी आज 50-60 महिलाएं उपस्थित है इस समय। श्वेता जी, इस तरह कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि महिलाएं जो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, जिनके पास समय नहीं है त्योहारों को मना पाने का उल्लास के साथ, तो वो हम सब यहाँ एक साथ एकत्रित होकर के अपने एक साथ मिलते हुए हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार को मनाते हैं, तो उन्हें भी कुछ समय अपने लिए मिलता है, सजने सरकने का, खुशियां सेलिब्रेट करने का, जिससे उनके मन में एक उल्लास आता है। आज की थीम क्या है? आज की थीम हमारी डांडिया और नवरात्र के अभी अभी गया हुआ है, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ है, तो इन सबको देखते हुए हमें आज ये त्यौहार।